दोस्तों, एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने कर्मों के फलों को समझते हुए सदा अच्छे कर्म करते हैं जो उन्हें सुख और शांति देते हैं। कर्म एक ऐसा विज्ञान है जो हमें ये बताता है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसका फल हमें निश्चित ही मिलेगा। बुद्ध ने भी कर्म के बारे में कई बार बात की है। उन्होंने कहा है कि हम अपने कर्मों से अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। कर्म एक नियम है जो संसार के चक्र को निरंतर घुमाता है। बुद्ध ने कहा है कि हमारे कर्म हमारे मन के परिणाम होते हैं। कर्मों के अनुसार ही हमें सुख और दुख का अनुभव होता है। जैसे अच्छे कर्म हमें सुख देते हैं, वहीं पर बुरे कर्म हमें दुख ही देते हैं। इसीलिए कर्म को सही रूप से समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी से जुड़ी एक प्राचीन कहानी, जिसको अगर आपने समझ लिया तो आप भी ये कर्म के विज्ञान को समझ जाएंगे। आप भी ये समझ जाएंगे कि कर्म हमें कभी माफ नहीं करते हैं। हम जैसा भी काम करेंगे, हमें उसका परिणाम अवश्य ही भुगतना पड़ेगा। अगर किसी कारणवश इस बार हमें कर्मों के फल नहीं मिले तो अगली बार अवश्य ही मिलेगा। आइए इसे ठीक से समझते हैं। एक बार एक वृद्ध तपस्वी साधु किसी नगर से भ्रमण करके लौट रहे थे। वह जंगल के मार्ग से होते हुए गुजर रहे थे। उनके पास एक गठरी थी जिसे अपने कंधे पर टांगकर वह अपने मार्ग में आगे बढ़ रहे थे। धीरे धीरे कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि जंगल में कुछ लुटेरों ने बहुत से राहगीर को पकड़ कर रखा है और उनके सभी सामान को छीन रहे हैं। और वहाँ पर जितने भी राहगीर थे, सभी अपने और अपने परिवार का जान बचाने के लिए अपने सामान को वहाँ से छोड़कर भाग जाते थे। साधु महाराज ये भी जानते थे कि उनके जाने पर भी उनके साथ भी यही होगा। वह इन सभी परिणामों को जानते थे, लेकिन फिर भी वह अपने मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही वह आगे पहुंचते हैं, लुटेरे उन्हें भी रोक देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास जो कुछ भी कीमती सामान है उसे हमें दे दो, अन्यथा मारे जाओगे। लुटेरों की ये बातें सुनकर तपस्वी साधु कहते हैं, एक साधु जो स्वयं भिक्षा मांगकर अपना निर्वाहन करता है, उसे जो कुछ भी मिलता है उससे अपना जीवन यापन करता है, वह भला तुम्हें क्या देगा? मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। साधु की बातें सुनकर लुटेरे हंसने लगते हैं और कहते हैं, क्या हम जानते हैं कि तुम लोग अपने बातों में लोगों को फंसाकर अपनी ज्ञान भरी बातों से लोगों को उलझाकर उनके दिमाग के साथ खेलते हो और उनसे तरह तरह के भेंट स्वीकार करते हो। हमने ये भी देखा है कि राज्य के बड़े बड़े राजा महाराजा तुम्हें सोना चांदी भेंट करते हैं और तुम कहते हो कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। क्या तुमने हमें इतना मूर्ख समझा है? हम इतने बलवान होकर राजा महाराजा को लूट नहीं पाते हैं और तुम अपनी बातों में फंसा कर राजा महाराजा से दान दक्षिणा लेते हो। तुम्हारे पास एक गठरी दिख रही है, उसमें जरूर कुछ न कुछ होगा। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम अभी किसी यात्रा से लौट रहे हो। तुम्हारा गठरी भी भरा हुआ लगता है, लाओ ये मुझे दे दो। उनकी ये बातें सुनकर तपस्वी साधु कहते हैं कि यह तो तुम्हारी स्वयं की सोच है जिसे स्वयं तुम्हारे अलावा और कोई बदल नहीं सकता। यदि मेरे पास कुछ होता तो मैं तुमको जरूर देता, लेकिन मेरी बात मानो, मेरे पास कुछ भी नहीं है। इस गठरी में सिर्फ कुछ कपड़े हैं और कुछ खाने के सामान हैं। साधु महात्मा की एक भी बात ना मानते हुए लुटेरों ने उनकी गठरी को छीन लिया और उन्हें कहते हैं कि जरा अभी देखते हैं कि तुम कितना सत्य कह रहे हो। फिर लुटेरों ने तपस्वी साधु की गठरी खोलकर देखने लगते हैं तो उन्हें ये मिलता है कि साधु महाराज सही कह रहे थे। उसकी गठरी में सिर्फ एक जोड़ी वस्त्र और कुछ खाने के सामान थे और कुछ भी नहीं था। लेकिन लुटेरे के मन ये मानने को तैयार ही नहीं हो रहे थे। फिर उन्होंने दोबारा से साधु महाराज से कहा कि निश्चित ही तुमने उसे कहीं छुपा दिया होगा। उनकी ये बातें सुनकर साधु महाराज कहते हैं कि सत्य यही है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। लुटेरे क्रोध की भावना में बोलते हैं कि जो सबसे ज्यादा कीमती चीज है तुम तो उसे दे ही सकते हो, और वो है तुम्हारे प्राण। अब हम वही लेंगे। ये सुनकर तपस्वी साधु कहते हैं कि यदि आप मेरे प्राण लेना चाहते हैं तो ठीक है, आप उसे ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी करनी होगी। लुटेरे कहते हैं, बोलो क्या इच्छा है तुम्हारी? तब साधु कहते हैं कि तुम्हें एक सामने का वृक्ष दिख रहा होगा, उस वृक्ष से दो पत्ते तोड़कर ले आओ। लुटेरे कहते हैं, मैं तो पत्ते तोड़कर ले आऊंगा, लेकिन पहले तो ये बताओ कि तुम इसका करोगे क्या? साधु कहते हैं कि मैं वह अभी आपको नहीं बता सकता, बस आप उसे ले आइए। एक लुटेरे जाकर वहां से पत्ते तोड़कर ले आता है और साधु महाराज को देते हुए कहता है कि ये लो। साधु कहते हैं कि इसे अपने पास ही रखो,
इसे मुझे नहीं चाहिए। लुटेरे कहते हैं कि इसका मैं क्या करूंगा। तब साधु पुनः कहते हैं कि जाओ और इस पत्ते को पुनः उस वृक्ष में लगा दो, यही मेरी अंतिम इच्छा है। साधु महाराज की बातें सुनकर लुटेरे हंसने लगते हैं और उनसे कहते हैं कि आप तो साधु महाराज हो, ज्ञान भरी बातें करते हो, लोगों को उपदेश देते हो और आप जैसा व्यक्ति इस तरह की बातें कर रहा है, ये तो सभी को पता है, यहाँ तक कि छोटे बच्चे लोग भी जानते हैं कि ये नामुमकिन है। जो चीज एक बार टूट जाए उसे पुनः कैसे जोड़ सकते हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है, यह तो प्रकृति का दिया हुआ है। और ये सब बोलकर तुम सिर्फ हमारा समय बर्बाद कर रहे हो ताकि हम तुम्हारे प्राण को छोड़ दे। तुम्हें अपने प्राणों की इतनी चिंता और स्वयं को साधु संत कहते हो। लुटेरे की ये बातें सुनने के बाद साधु महाराज कहते हैं कि प्राणों की चिंता तो हमें कभी नहीं रहती है, यह एक दिन सबको आना है, यही तो सत्य है, और जो सत्य है उससे कैसा डर, ये सबके साथ होना है, मेरे साथ भी होगा, इसमें डरने की क्या बात। तुम इस पत्ते को तोड़ कर ले आए हो और अब टूटी हुई चीजों को पुनः जोड़ नहीं सकते हो, ये तुम्हारे लिए असंभव है, तो फिर उसे तोड़ क्यों रहे हो। साधु की बातें सुनकर लुटेरे आश्चर्य हो गए और उनसे कहे कि आपका बोलने का मतलब क्या हुआ, आप कहना क्या चाहते हैं। तब तपस्वी साधु कहते हैं कि यदि आपने किसी को प्राण नहीं दिया तो उसे छीनने का भी आपको कोई अधिकार नहीं है। आप एक बार जरा इन लोगों की तरफ देखो, ये जो राहगीर लोग है इन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है, क्या इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, क्या इन्होंने आपके साथ कुछ बुरा किया है। लुटेरे बोलते हैं नहीं, जब ये लोग आपके साथ बुरा नहीं किए हैं तो आप इन लोगों के साथ बुरा क्यों कर रहे हैं, उनके परिश्रम द्वारा अर्जित किया गया धन आप क्यों छीन रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इस धन को छीनने के बाद आप इस धन का सुख ले पाएंगे। यह लूटपाट और छीना हुआ धन ना कभी आपके काम आएगा और ना ही कभी आपको सुख देगा, बल्कि इसके द्वारा आपको दुखी मिलेगा। फिर क्यों आप इस धन को छीन कर अपने दुख को आमंत्रण दे रहे हैं। हम अपने जीवन में जो भी काम करते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं सुख का कारण होता है, हम सुख के लिए ही करते हैं, लेकिन कर्मों के अनुसार दुख के बदले दुख ही मिलता है। अगर हम उनके धन को छीनते हैं तो उसके कारण उन्हें जो दुख होगा उन्हें भी तो हम छीन रहे हैं, और वही दुख हम अपने ऊपर ले लेते हैं। यदि आप उसे सुख नहीं दे सकते हैं, उन्हें प्राण नहीं दे सकते हैं, तो आप उसे छीनने वाले भी कोई नहीं है, आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप किसी के प्राण ले। तपस्वी साधु के ये कुछ शब्द उन लुटेरों को बहुत ही प्रभावित करता है, मानो साधु के हरेक शब्द ने उन पर कुछ जादू किया हो। कुछ क्षणों के बाद उन सभी लुटेरों को अपने भूल का एहसास होता है और वे सभी लोग तपस्वी साधु से स्वयं की गलती के लिए क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि इस तरह से तो हमने कभी सोचा ही नहीं था, ये तो तय है कि इसे छीनने के बाद कुछ समय के लिए हमें सुख मिलता है, लेकिन लंबे समय तक इनका परिणाम हम समझ ही नहीं पा रहे थे, हम ये सोच ही नहीं पा रहे थे कि हम सुख के लिए दूसरों के साथ कितना अन्याय कर रहे हैं, उन्हें दुख दे रहे हैं। आप सही कहते हैं कि एक दिन ये सभी पाप हमें अपने बोझ से दबा देगा। ये सभी बातें बोलने के बाद सभी लुटेरे साधु महाराज से माफी मांगते हैं और उन्होंने जो भी सामान राहगीरों से छीना वे सभी कुछ उन्हें लौटा देते हैं और उनसे भी क्षमा मांगते हैं। फिर साधु महाराज उन्हें उपदेश देते हैं कि यदि जीवन को करीब से जानना है, आनंद से मस्ती में जीना है, तो सब कुछ त्याग करके बस सत्कर्म करें और उसी मार्ग पर चलते जाए, तभी आप देखेंगे कि आपका वही मार्ग आपको जीवन के वास्तविक सुख से मिलाएगा। उसके बाद आपके जितने भी कर्म होंगे सब सही कर्म होंगे और वही सही कर्म आपको अपने जीवन में खुशहाली ला कर देगा। इसीलिए ये सभी कुछ छोड़ो और आज से सिर्फ वही काम करो जिससे तुम्हें और लोगों को सुख मिलता हो, और ये सुख तात्क्षणिक सुख नहीं होगा। अगर तुम्हारी वजह से किसी भी एक व्यक्ति का जीवन प्रभावित होता है, किसी भी एक व्यक्ति का जीवन में खुशी आता है, तो उस वक्त तुम्हें जो भी सुख मिलेगा वो सुख सदा के लिए रहेगा। इसीलिए आज से ही अपना जीवन सत्कर्म के लिए समर्पण कर दो। इतना कहकर साधु महाराज अपनी गठरी को लेकर वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने कर्मों के फलों को समझते हुए सदा अच्छे कर्म करते हैं जो उन्हें सुख और शांति देते हैं। इसलिए बुद्ध का विचार है कि हमें सदा अच्छे कर्म करने चाहिए जो हमें सुख और शांति का अनुभव करने में मदद करते हैं। दोस्तों,
इस वीडियो को देखने के बाद आपके क्या विचार है एक कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या पता आपके एक कमेंट से किसी का जीवन बदल जाए। धन्यवाद।